तो आज अपने सफर की शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां ताजमहल बनाने वाले शहंशाह को भी उसके खुद के बेटे ने करीब 8 सालों तक कैद कर रखा था। जी हां, हम शुरुआत करते हैं मुसम्मन बुर्ज से जहां शाहजहां करीब 8 सालों तक कैद में रहा। शाहजहां को उसके बेटे ने कुछ राजनीतिक कारणों के कारण 1658 में कैद कर लिया और उसके बाद 1666 तक, जब तक शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई, वो इसी मुसम्मन बुर्ज में रहा करते थे। कहा जाता है कि शाहजहां इसी मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल को निहारते रहते थे। हालांकि यहां से ताजमहल का नज़ारा बेहद अच्छा है और ऐसा कहा जाता है कि यहां मुसम्मन बुर्ज के नीचे बने वाटर गेट से कभी कभी वह नाव के जरिए ताजमहल भी जाया करते थे। इन सफ़ेद संगमरमरों के पीछे छिपी हुई कुछ अंधेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि बादशाह बनने के लिए भी किन किन तरीकों को अपनाना पड़ता है और किन किन पैतरों से अपने ही खून को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए देखना भी पड़ता है। कुछ ऐसा ही औरंगजेब और शाहजहां के साथ भी हुआ। राजा बनने के लालच कहीं ना कहीं अपने ही पिता को एक ऐसे कैदखाने में कैद कर देती है जहां से वह सिर्फ कुछ ही चीज़ों का दीदार कर सकता है। वैसे तो इस मुगलिया घराने में कभी किसी कहानियों की कमी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ ये कहानियां और भी ज़्यादा रोचक साबित हुईं। ताजमहल देखने वाले लोग इस मुसम्मन बुर्ज की एक अंधेरी दास्तां जरूर सुनते थे कि किस तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ इतना बड़ा ताजमहल बनाने वाला बादशाह खुद अपने ही बेटे की कैद में 8 सालों तक रहा। मुसम्मन बुर्ज के सामने ही औरंगजेब ने अपने पिता के लिए एक वजू करने का जगह भी बना रखा था, जहां से वाटर सप्लाई ऊपर बने हुए किसी टैंक से आता था, जो कि हमने अपने कैमरे में काफ़ी सही तरीके से रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे आपको एक पतला सा होल दिखाई दे रहा होगा जहाँ से पानी बहते हुए आता था और फिर ये पानी निकलकर बाहर की तरफ चला जाता था जहाँ पर एक फाउंटेन लगा हुआ था। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह थी जहाँ पे शाहजहां रहकर अपनी इबादत कर सकता था। हमने ये तो जान लिया कि शाहजहां को उसके खुद के बेटे औरंगजेब ने कैद कर रखा था, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों था, क्यों एक बाप को उसके बेटे ने कैद कर रखा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया और अपने खुद के बाप को बंदी बना लिया और खुद राजा बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गद्दी के लिए खुद के बेटे ने अपने बाप को मारा हो। इतिहास में ये कथा बहुत प्रचलित है कि गद्दी के लिए कोई किसी का सगा नहीं होता, और सेम यही हुआ मुगलिया सल्तनत के हिस्से में भी। यहाँ पर भी औरंगजेब ने खुद के बाप को बंदी बना लिया और खुद के भाई को मौत के घाट उतार दिया। मुसम्मन बुर्ज के अंदर जाने से ASI ने रोक लगा दिया है, क्योंकि ये बुर्ज खाई की ओर बना हुआ है तो यहाँ दुर्घटना के चांसेस बहुत हो सकते हैं। इस वजह से ASI ने इस जगह पर रोक लगा दिया है। अगर मुसम्मन बुर्ज के बनावट की बात करें तो मुसम्मन बुर्ज में पच्चीकारी का बहुत ही बेहतरीन काम हो रखा है, जिसमें कई सारे कीमती पत्थर भी लगाए गए हैं। ASI ने इन पत्थरों को छूने पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि लोग इन पत्थरों को निकाल कर ले जा रहे थे और निशानी के तौर पर उन पत्थरों को अपने पास रख रहे थे। इसी वजह से ASI ने इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज हमारा सफ़र यही मुसम्मन बुर्ज पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।